बलिया से वो दर्शकों को बताते हैं जिस तरह से पेपर लीक हुआ इस मामले को लेकर यूपी एसटीएफ की जांच अब तेज हो रही है। अभी तक 24 ऐसे आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इस मामले को लेकर यूपी एसटीएफ ने अपनी जांच को तेज कर दिया है। बलिया से ये बड़ी खबर। दरअसल 24 ऐसे जिले जहां पर इंग्लिश का जो यूपी बोर्ड का एग्जाम था उसको कैंसिल करना पड़ा। बलिया से पेपर लीक हुआ, इस मामले की जो जांच है वो यूपी एसटीएफ को सौंपी गई और अब इस मामले में वाराणसी यूनिट और एसटीएफ मुख्यालय की एक टीम भी जांच में जुटी हुई है। बलिया पुलिस ने मामले में 24 की गिरफ्तारी की है, सीजेएम कोर्ट में पेश कर इन्हें जेल भेज दिया गया है और अब आरोपियों के डिमांड रिमांड की अर्जी दरअसल डाली जाएगी यूपी पुलिस की तरफ से कोर्ट में। इसे भी ज्यादा जानकारी के लिए संकल्प हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। संकल्प, यूपी एसटीएफ की जांच तेज हो रही है, 24 आरोपी अभी तक हालांकि मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए हैं, अपडेट अभी क्या है संकल्प? देखिए, पूरे मामले में लगातार जब से जांच एजेंसियां जुटी हैं तो कई ऐसे साक्ष्य उनके हाथ में लग चुके हैं जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जानी है। हालांकि कल तमाम जो आरोपी थे उनको कोर्ट में पेश किया गया, देर रात उनको जेल भेजा गया और इस मामले को लेकर के क्योंकि 2019-20 के पहले भी अगर बात की जाए तो जब जब बलिया में पेपर लीक होने की तमाम मामले सामने आए और इसके साथ ही कई अफवाहें सामने आई, उससे जुड़े जो लोग थे उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हो या फिर उसके अलावा जो उनके व्हाट्सएप डिटेल्स है, कॉल डिटेल्स है, इसको लगातार तमाम जाँच एजेंसियाँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या फिर यूपी एसटीएफ हो, ये खंगाल रहे हैं और ये माना जा रहा है कि कई ऐसे विभाग के लोग भी हैं जो अब एसटीएफ के रडार पे और ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में जल्द अन्य बड़ी कार्रवाई भी देखने को सामने मिल सकती है। हालांकि तमाम जो रडार पे लोग हैं उनकी लोकेशंस और उनके जो जो कॉल डिटेल्स हैं उसको ट्रैक किया गया और इसके साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस सिंडिकेट में जो जो भी लोग जुड़े हुए थे उनको जल्द से जल्द दबोचा जाए। चूंकि अगर बात की जाए वाराणसी की एक यूनिट ऑलरेडी एसटीएफ की यहाँ पे मौजूद थी और एक मुख्यालय की यूनिट को भी लगाया गया है, इसके साथ में गाजीपुर में और आसपास के जो जिले हैं वहाँ पे दबी की गई और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस मामले से जुड़े हुए जो आरोपी हैं और उनको जल्द से जल्द रिमांड पे लेके भी जो उनसे जानकारी जुटाई जा सकती है। हालांकि इस मामले में अब ये माना जा रहा है कि जल्द और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। ठीक है संकल्प, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।